स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के इस न्यू धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों माय नेम इज लवली सेन। बोले तो भाई लोगों, जब से ही सनी के छोटे सपुत्र राजवीर देओल की फिल्म दोनों का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ही यह फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है। वह इस फिल्म में राजवीर देओल के साथ में पूनम ढिल्लो की बेटी प्लोमा ठकेरिया दिखाई देगी। साथ ही ये दोनों स्टार फिल्म दोनों से अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं बॉलीवुड में। ऐसे में दोस्तों सवाल यह बनता है कि क्या राजवीर देओल अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाएंगे या नहीं, या फिर अपने बिग ब्रदर करण देओल की तरह अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर फुस साबित हो जाएंगे। रिक्वेस्ट है आपकी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। जहां तक दोस्तों मेरे पुण्यन की बात करूं तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे लगता है राजवीर देओल की फिल्म दोनों को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों फिल्म दोनों को डायरेक्ट किया है अविनाश बगीचाचिया ने, जो कि अपने करियर की शुरुआत फिल्म दोनों से करने जा रहे हैं बॉलीवुड में एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पे। दोस्तों मुझे डर है इस बात का कि सुपरस्टार राजवीर देओल की फिल्म दोनों आने वाली है सिनेमा गृह में 5 अक्टूबर को। ठीक उसके जस्ट एक दिन के बाद में सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी फिल्म लेकर आने वाले हैं मिशन रानीगंज सिनेमा गृह में। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज फिल्म दोनों के स्क्रीन को खा जाएगी, जिसके कारण से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दोनों के कलेक्शन पर असर साफ साफ दिखाई देगा। हाँ, अगर दोस्तों फिल्म दोनों के पब्लिक के रिव्यू पॉजिटिव आते हैं तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे दोस्तों अगर फिल्म दोनों की स्टोरी के बारे में बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं, फिल्म दोनों की स्टोरी काफी यूनिक व रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों कल के लिए इतना ही, और करते हैं एपिसोड को यहीं समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में। रिक्वेस्ट एक बार फिर से, प्लीज आपकी राय कमेंट में जरूर शेयर करें फिल्म दोनों के बारे में। साथ ही आपको एक बार फिर से जय हिंद।